सन 1556 जब पानीपत के मैदान में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाएं आमने सामने थी, तब अपने मदमस्त हाथी पर जो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है मुगलों को काट रहे थे, लेकिन तभी एक तीर आता है और उनके आंख में लग के खोपड़ी तक अंदर चल जाता है। तब वो अपने हाथी पे थे, वो भूमि पे गिर जाते हैं, तब जो है वो उनका वध हो जाता है और वो युद्ध हार जाते हैं। और बात है 1527 की, जब खानवा के युद्ध में बाबर और महाराणा सांगा की सेनाएं आमने सामने थी, तब महाराणा सांगा भी अपनी सेना पे होते, तब उन्हें एक तीर आके लगता है, तब वो मूर्छित हो जाते हैं, उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले जाया जाता है, तब जो है महाराणा सांगा की सेना की पराजय हो जाती। और बात है 1192 की, जब ये बात तो किसी छुपी नहीं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कैसे पृथ्वीराज चौहान को छलपूर्वक हरा दिया था, और जिसको जो है महिमा मंडन कर करके हमें पढ़ाया भी जाता है। तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी अपने जो है हाथी पे होते हैं, उसके पश्चात वो घोड़े पे आते हैं, तब उन्हें कैद कर लिया जाता है। तो क्या सच में हाथी हमारे हार का कारण रहे हैं? क्या कहा जाता है कि अजमेर के जो महाराजा थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे हमारे, जिनको अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा झूठ है ये, तो वो जो है हाथी पे थे, इसीलिए जो मोहम्मद गोरी उन्हें अच्छे से पकड़ पाया। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिनका युद्ध अकबर से होता है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, जहाँ एक तीर लगने से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है या फिर कहे कि उनका जो है हत्या हो जाता है, तब वो जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हार जाते हैं। और वही बात ले मराठों की, पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली से हुआ था, तो वो भी कहा जाता है कि वो भी जो है हारे इसी कारण से क्योंकि उनके साथ हाथी चल रहे थे। हाथी स्लो होते हैं, जबकि वो ताकतवर होते हैं लेकिन वो स्लो होते हैं, इसलिए जो है महावत को कंट्रोल करके उन्हें मार के हाथियों को अपने ही कंट्रोल में करके जो है दुश्मन आप पे वार कर लेता, ऐसा कहा जाता है। महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में हाथी पर थे, इसलिए उन्हें भी जो है तीर लग के मूर्छित कर दिया गया। तो क्या सच में जो है गजवाहक जो सेना होती थी, इसी कारण से जो है हम इतिहास में हारते आ रहे हैं? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं कि इतिहास में जब गजवाहकों का जो है भारत में जो है हाथियों का गजवाहकों का जो सेना में जो प्रयोग था वो बहुत पुराने समय से होता रहा। जब सिकंदर जब भारत में पहली बार आया था, अब यह तक कहा जाता है कि राजा पोरस के जब गजवाहक की जो सेना थी उनको जब देख के जो है सिकंदर की जो सेना थी वो थर थर काँपने लगी थी, क्योंकि उनके जो घोड़े थे उन्होंने हाथियों को पहली बार देखा था, और इतने विशाल का इतने शक्तिशाली जीव थे, तो इससे जो है सिकंदर की जो सेना के जो घोड़े सवार थे वो डर के भागने लगे थे। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि राजा पोरस का विजय हुए था, सिकंदर की पराजय हुई थी जिसको छुपा दिया गया, और इसका सबसे बड़ा कारण था जो झेलम पे आई हुई थी बाढ़ थी जिसमें सिकंदर की अजी सेना बह गई थी, और दूसरा कारण यह था कि जो गजवाहकों की इतनी विशाल सेना थी जिसका सिकंदर की सेना से पहली बार सामना किया था, इसलिए जो है वो उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो ये तो है इतिहास जिसको बहुत सारे लोग मानते, जिसको बहुत सारे लोग नहीं मानते। जब विदर्भी पहली बार आक्रमण कर रहे थे भारत पे 712 ईस्वी के आसपास, जब मोहम्मद बिन कासिम का जो है हमारे सिंध के राजा दाहिर पर जो है उनका जो अधिकार हो जाता है, जब इस्लामिस्ट जो है पहली बार भारत में आक्रमण करना प्रारंभ किए थे, उस समय जो बप्पा रावल और नागभट्ट बड़े बड़े राजा ललितादित्य मुक्त पीड़ा द्वारा जो है इनको सफाया कर दिया जाता है, इन्हें खत्म कर दिया जाता है और अरब तक जो है इन्हें ढकेल के आ जाता है। तब जो है उस समय भी जब अरबी आक्रांता आते हैं तब उन्हें जो है गजवाहकों की भारी सेना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो है आपके जो अरब कंट्रीज में होते थे उधर तुर्क में होते थे वहाँ जो है हाथी नहीं पाए जाते थे, तो वहाँ ऊँट होते थे और घोड़े होते थे, इसीलिए अफगानिस्तान से इतने तगड़े घोड़े आते थे, तो घोड़े जो है वहाँ अच्छे होते थे लेकिन हाथी नहीं होते थे, इसलिए जब पहली बार जब मुगल आक्रांता या विदेशी आक्रांता भारत आते थे चाहे वो कोई भी हो, तो उनको जो है गजवाहकों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वो उनकी सेनाएं थर थर काँपने लगती थी। इसीलिए जो है महाराणा सांगा की जो सेना थी वो सशक्त थी, उसमें बहुत सारे हाथी थे, और इसीलिए वो जो है बयाना के युद्ध जो है पहली बार में एक बार में उन्होंने विजय कर लिया था। बाबर की सेना उनसे लड़ने के लिए डर रही थी, लेकिन बाबर ने जिहाद का नारा दिया, इसीलिए खानवा के युद्ध में बाबर की विजय होती है, और इसके बहुत सारे कारण भी थे। तो आगे चलते हैं हम, जब जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, तब जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में शामिल भी नहीं हुए थे, तब भी जो है उनकी विजय हो जाती है, गोविंद राज तोमर जो है उनके तरफ से लड़ते हैं, और जो है एक दो दांत जो है अपने भाले से जो है मोहम्मद गोरी का तोड़ देते हैं, मोहम्मद गोरी भाग जाता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। दूसरे तराइन के युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन वही बात है रात्र में आक्रमण कर दिया जाता है मोहम्मद गोरी की सेना, तो छलपूर्वक जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो सेना को जो है आक्रमण करके उन्हें हरा लिया जाता है, और वहां भी जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान पहले हाथी पर ही होते हैं, जब तक वो घोड़े पर उतर के जाने लगते हैं तब उन्हें जो है पकड़ लिया जाता है, ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो बहुत बड़ा जो इतिहास है हमारा कि एक तीर ने कैसे भारत के जो है पूरे भविष्य को चेंज कर दिया, पूरे भारत को ही बदल दिया, और वो था जब अकबर और हेमू का युद्ध होता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, अकबर जो है उसके जो साथी थे उसके साथ जो है हम आक्रमण करता है, और अकबर उस युद्ध में शामिल भी नहीं था क्योंकि वो 14 वर्ष का बालक था। तो वो जो है अकबर की सेना से जो है लड़ते हैं, और जो है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, तब हेमचंद्र और विक्रमादित्य के जो है उपाधि धारण करते हैं, एक विशाल हाथी पे जो है युद्ध के लिए जाते हैं। तब युद्ध में वो जब जाते हैं
तब वो हाथी पे रहते, इसलिए जो है भारी बौछार जो है तीरों के द्वारा उन पे की जाती है और ऐसे हमेशा जो है विधर्मी आक्रमणता जो है और वो ऐसे ही कर देते क्योंकि हमारे राजा जो है एक सिंहासन के रूप में एक राजा के रूप में जो है हाथी विराजमान होते थे, इसलिए वो एक तक जो है दुश्मनों के नज़र में आ जाते थे, इसलिए उन पर जो अंधाधुंध जो है तीरों की बौछार की जाती थी जिससे जो है भी हमारे जो राजा होते थे या घायल हो जाते थे या मूर्छित हो जाते थे या फिर जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य की अगर बात करें तो वो जो है उनका जो है एक तीर जो है आँख में आके लगता है सीधा खोपड़ी में घुस जाता है जिससे वो मूर्छित हो जाते हैं और इसके कारण जो है मुगल सेना द्वारा उन्हें पकड़ के जो है अकबर के सामने पेश किया जाता है और उनके साथ साथ जो उसका जो गुरु था उसके साथ में सामने पेश किया जाता है। तब वो कहता है उसका गुरु जो है अकबर का जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा जिसको खान बाबा कहता था, तो वो जो है अकबर को कहता है कि इसका गर्दन काटो। तब अकबर जो है कहा जाता है कि इतिहासकारों के द्वारा अकबर उसे छोड़ देता है दान केवल, जबकि ऐसा नहीं था, अकबर जो है 14 वर्ष का बालक था वो उसकी गर्दन नहीं काट पाए, इसलिए जो है उसका जो खान बाबा थे जो उसके साथ हमेशा रहे थे उसने जो है उसकी गर्दन काटी और जो है एक मीनार बनाया, सरों को काट काट कर जो है एक मीनार बनाया और अकबर अपने आप को गाजी इसीलिए कहता था, इसीलिए उसने चित्तौड़गढ़ में 29,000 से 30,000 तक जो है चित्तौड़ के जो है आम नागरिकों को कत्ल किया था, कत्ले आम किया था जबकि वो निर्दोष थे, उनका युद्ध में कोई जो है हाथ नहीं था। तो इस प्रकार से जो है हाथियों को जो है अगर कहा जाए तो ये जो है हमारे राजाओं का जो है हार का प्रमुख कारण भी मान लिया जाता है। और वहीं अगर बात करें 1761 में पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ जब अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ यानी मराठों की और जो है अब्दाली की जो सेना आमने सामने थी तब भी जो है मराठों का जो हार हुआ था, इसमें एक प्रमुख कारण माना जाता है जब वो जो है अपने परिवार को अपने महिलाओं को साथ में लेके जाते थे इसको प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा कारण यही माना जाता है कि कई लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हाथियों की जो बड़ी सेना थी इस कारण से जो है उनके सैनिक जो है स्लो हो गए थे, उनको जो है हाथियों को अपने कब्जे में लिया जाता था और इस कारण से जो है हमारी हार हो जाती थी। तो आप इसके बारे में क्या कहना है, गजवाहकों की विशाल सेना के बारे में आप क्या मानते हैं, क्या हाथी जो है हमारे हार का बहुत बड़ा कारण थे? क्योंकि हाथियों का और हमारा जो है सनातन धर्म का हमेशा से बहुत ही प्राचीन संबंध रहा है, जहां आपने एलिफेंट विस्पर नाम की एक अपने शॉर्ट फिल्म के बारे में सुना जो अभी ऑस्कर जीत का ही, हाथी को जो है हम गजानन स्वामी के श्री गणेश के रूप में पूजते आए हैं। तो हमारा सनातन धर्म में हाथियों का मनुष्यों का संबंध अतीत काल से बहुत पुराने समय से रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना है कि हाथी हमारे बहुत बड़े हार के कारण रहे थे, क्या हमारे राजाओं ने बड़े बड़े युद्ध हाथियों के कारण हारे? कमेंट्स करके बताइएगा। जय श्री राम।